क्वेश्चन में मैंने ट्राई किया था कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं उसको मैं अटेंड करूं, और वो लेक्चर अपलोड करने के बाद मैंने हाउ टू राइट अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा आपके पास, ठीक है, उसके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं, उसका वीडियो बनाया है और मैंने अपलोड भी कर दिया है। तो अगर आपने वो चेक नहीं किया तो जल्दी से जाओ। केमिस्ट्री का पेपर का प्रेजेंटेशन आपका कैसा होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे पूरा इस वीडियो लेक्चर में समझाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो अभी तक हमने इस साल के लिए जो मोस्ट टाइम भी थ्योरीज है, ठीक है, और एमसीक्यूज है, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये प्लेलिस्ट जो है मोस्ट टाइम भी 2023 का, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। गुडसेट के पेपर भी मैंने 2018 से 2022 तक के सब पेपर सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट टू प्रैक्टिकल तो खत्म हो गया है, प्रैक्टिकल तो बात है नहीं, और अलग अलग चैप्टर जो है, ठीक है, उस पर अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैंने पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाया है, एल्डिहाइड कीटोन एसिड, सरफेस केमिस्ट्री, एल्कोहल फिनॉल ईथर, अलग अलग अमाइंस, शायद सभी चैप्टर यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। कुछ चैप्टर्स जो होंगे, ठीक है, वो आपको नहीं दिख रहे होंगे, अनलिस्टेड होंगे, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल है, ये ना मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे व्हाट्सएप करोगे वो प्लेलिस्ट पर्टिकुलर लिंक उसका मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब जो डिफरेंट क्वेरीज हैं आपके, जो बच्चों ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछा है, उसके आंसर्स मैं आपको करता हूँ। कि आपको वो जो क्वेरी है आपकी, ठीक है, उसके आंसर्स मैं करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, जो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे वीडियोज में मैंने देखा कि सर 2 मार्क 3 मार्क और 4 मार्क के जो थ्योरी है तो उसके अंदर आपने वीडियो उसके अंदर बताया था कि आधा पेज लिख रहा है, तो क्या कंटेंट मैटर नहीं करता? तो दोस्तों डेफिनेटली कंटेंट मैटर करता है, और सबसे पहले तो कंटेंट ही ज्यादा मैटर करता है, पर वो मैंने इसलिए आपको बोला था क्योंकि 2 मार्क का जो थ्योरी है ना, हम क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जब हम हमारा पसंदीदा क्वेश्चन हमने जो पढ़ा है अच्छे से, हमें अच्छे से जो आता है वो क्वेश्चन देख के हम थोड़े है ना ज्यादा एक्साइटेड और पागल जैसे हो जाते हैं कि यार मैंने तो ये पढ़ा था और ये पूछा गया है, तो उसको अच्छे से ना पढ़ते हुए उसके अंदर जितना भी आपको आता है ना वो आप सब लिखने का ट्राई करते हो। तो यहां पे दोस्तों 2 मार्क का जो क्वेश्चन है उसको आप 3-4 पेज तक लिखोगे तो आपको 2 मार्क के क्वेश्चन के 3 या 4 मार्क नहीं मिलने वाले, 2 मार्क के क्वेश्चन के मैक्सिमम 2 ही मार्क्स है। समझ आ रहे हैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो कि पूछा क्या है। अगर लिखा है डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी तो आपको मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन लिखा है, डिफाइन लिखा है, खाली डेफिनेशन लिखना है, 2 मार्क मिल गए तो समझ लो वो 4 लाइन के अंदर क्वेश्चन का आंसर आ गया, खत्म। मतलब एक ही पॉइंट है उसके अंदर और उसमें 3-4 लाइन में आप उसका डेफिनेशन लिख दो। समझ आया आपको? तो ऐसा नहीं करना है, कंटेंट ही विनर है, कंटेंट ही आपको मार्क्स दिलाएगा। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि मार्क्स के हिसाब से और क्वेश्चन में पूछा क्या है उसके हिसाब से आपको लिखना है। अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन 2 मार्क में पूछ लिया है तो आपको कट करना आना चाहिए, आपको कट करना आना चाहिए। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैक्सिमम ऐसा ही याद कर लो अब कि 2 मार्क के क्वेश्चन का आंसर है ना वो मैक्सिमम सप्लीमेंट्री का एक जो पेज है ना उसके अंदर आ जाएगा। फिर पीछे 2-3 पॉइंट लिखोगे, पीछे वाले पेज में 2-3 पॉइंट लिख सकते हो मैक्सिमम, फिर 2-3 पेज भर के नहीं लिखना क्योंकि फिर पेपर छूट जाएगा भाई। आपको कुछ सर्टेन लिमिट के अंदर टारगेट होना चाहिए, 1.5 घंटे के अंदर थ्योरी का पेपर आपको लिख के खत्म कर देना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि वहां पे बारकोड चिपकाना, नाम लिखना, सप्लीमेंट्री लोगे तो उसके अंदर भी बारकोड चिपकाना, नाम लिखना, साइन करना, बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेलिटीज होते हैं बोर्ड के पेपर में, तो उसमें भी टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट होगा। समझ आया? तो ये जनरल क्वेश्चन था बच्चों का कि सर लेंथ क्या आपने डिसाइड करके रखी है इतना,
तो ये मेरा आंसर था आपका, ऐसा डिसाइड करके नहीं रखा है, पर क्वेश्चन को पढ़ना है, पूछा क्या है पहले वो देखो, और फिर आपको जो पता है वो बाद में अंदर आप ठीक है सप्लीमेंट्री के अंदर अपनी फीलिंग्स जो है वो लिखो। समझ आया? चलो नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन यहां पे कमेंट सेक्शन में, ये जनरल क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, फिर से बताता हूं। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या सर हम लास्ट 5 साल के पेपर या फिर बोर्ड का जो यहां पे क्वेश्चन बैंक आया है अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो क्या हम 70 मार्क ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं यही दूंगा कि दोस्तों सोचो अगर वो 5 साल के पेपर आपने जो किए हैं या फिर जो भी आईएमपी आपने फॉलो किया है, क्वेश्चन बैंक किया है, जो भी आपने आईएमपी फॉलो किया है, ऐसा तो है नहीं कि पेपर पूरा नहीं सकता, 60-70 मार्क का रिपीट होगा, 70 मार्क का कॉमन आया, जो आपने पढ़ा है वही का वही आया। अब कौन से अप्रोच के साथ, कौन से परफेक्शन के साथ आपने लिखा है उससे डिसाइड होगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। अब 70 मार्क का पूछा है, आपने 70 मार्क का पेपर अटेंड किया है, मैं फिर से बोल रहा हूं 100 में से 70 मार्क का पूछा है तो आपने 70 मार्क का ही अटेंड किया है। अब उसमें से भी कुछ आपने अटेंड नहीं किया होगा क्योंकि सब तो आपको याद नहीं आया होगा, तो वो 70 मार्क का आपने कौन से परफेक्शन के साथ लिखा है उससे आपके मार्क्स जो है वो डिसाइड होंगे। तो आप ऐसा मत समझ लो कि आपके 70 में से 70 मार्क आने वाले हैं, आपने जैसे क्वालिटी का लिखा है अगर बहुत सारी गलतियां करी है तो 40 भी आ सकते हैं, अच्छा लिखा है तो 65-67 भी आ सकते हैं, गड़बड़ करी है 50 भी आ सकते हैं। तो आईएमपी करके जब आप जाते हो, खाली आईएमपी, कोई चक्कर आपने बुरा किया ही नहीं है, वो खाली आईएमपी किया है, तो यू एक्सपेक्ट 50-65, इन बिटवीन 50-65 के बीच में आप एक्सपेक्ट करो, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो। समझ आ रही है बात आपको? ये समझ आया आपको? ठीक है चलो, तीसरा क्वेश्चन यहां पे बहुत सारे बच्चों ने पूछा मुझे यहां पे कमेंट्स के अंदर कि क्या सर हम पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर क्वेश्चन के आंसर का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हाँ हम कर सकते हैं, जैसे सेक्शन बी के अंदर 8 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, तो पहले पहला क्वेश्चन लिखा, फिर तीसरा लिखा, फिर 8th लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर चौथा लिखा, तो चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ आ गया? तो पर्टिकुलर सेक्शन में क्वेश्चन के आंसर का सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, दैट इज नो इश्यू, पर एक सेक्शन के 2 क्वेश्चन अटेंड करके दूसरा सेक्शन स्टार्ट किया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर हमने से फॉर एग्जाम्पल 8th क्वेश्चन के और में 8th क्वेश्चन जो है वो लिखा, हमने दोनों क्वेश्चन के आंसर परफेक्ट लिखे हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में जो दोनों में से सबसे ज्यादा मार्क्स जिसके होंगे ना वो कंसिडर होगा, बाकी वाला कंसिडर नहीं होने वाला। समझ आया आपको? इंटरनल ऑप्शन जब होते हैं तो 8th क्वेश्चन के और में आपको 8th 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 8th के और में 8th है, तो दोनों आपने अटेंड किए हैं, तो दोनों में से जिसमें आपने अच्छा लिखा होगा, जिसमें अच्छे मार्क्स होंगे वो कंसिडर होगा, दूसरा वाला कंसिडर नहीं होगा। ठीक चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये था कि क्या सर हम पेपर के अंदर जो सेक्शन और आंसर जो मैंने सप्लीमेंट्री में समझाया था क्या उसको लिखने के लिए ब्लैक पेन यूज करें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मत करो आप यूज, आप ब्लू पेन से ही पूरा पेपर लिखो क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। समझ आया? हमें यहां ड्राइंग कंपटीशन नहीं है हमारा, हम केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मैथ्स का पेपर लिखने जा रहे हैं। समझ आ रहे हैं? तो आप क्या करोगे, आप सप्लीमेंट्री पे पहले पेज पे सेक्शन बी ब्लू पेन से लिखा, आंसर 1 ब्लू पेन और आंसर भी ब्लू, सभी ब्लू पेन से लिखना है, पूरा पेपर ब्लू पेन से लिखना है, उसमें कोई पॉइंट लिखने के लिए या बॉक्स बनाने के लिए आपको यहां पे कुछ भी और कोई और बॉल पेन, जेल पेन, अलग अलग कलर के पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, उससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा तो लगेगा। बोर्ड के अंदर एक ऐसा रूल है दोस्तों कि वो एक साइन लैंग्वेज है,
जिससे पेपर चेकर को पता चले कि ये मेरे स्टूडेंट का पेपर है, तो फिर उन सब चीजों में नहीं फंसना है। तो बेटर हम ब्लू पेन ही यूज करेंगे, पूरे पेपर को ब्लू पेन से लिखेंगे हम, कोई और पेन और को यूज नहीं करना है। देखिए आप ध्यान रखें, इज दैट क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था एक बच्चे का कि सर एक क्वेश्चन हमने सप्लीमेंट्री के आधे पेज में लिखा है, वो पीछे कैरी फॉरवर्ड हम कर रहे हैं, दो तीन पॉइंट दूसरे पेज पे लिख रहे हैं। तो आपने सप्लीमेंट्री जब प्रेजेंटेशन समझाया तो ऐसा समझाया था कि नीचे की जगह छोड़ दो, पर अगर ना छोड़े तो चलेगा बेटा? समझ आया? एक पेज पे आपने आंसर लिखा, फिर पीछे आपने उसका आंसर कैरी फॉरवर्ड किया, फिर दूसरा आंसर दूसरे पेज पे स्टार्ट करना है, ऐसा मैंने आपको बताया था, पर आपको जगह नहीं छोड़नी तो वहां से आंसर लिखोगे तो चलेगा। पर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखना, ऐसे समरी ऐसे लंबा 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 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये समझ आया आपको? चलो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहां आपको बता दिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत चीजें हैं जो बच्चों के दिमाग में है और आप पूछते रहते हो, कोई बात नहीं, जितना मेरे से होगा ठीक है। अभी और एक दो क्वेश्चन शायद बाकी हैं, वो अटेंड कर लेते हैं और ये वीडियो को यहां पे फिर समाप्त करेंगे। और एक क्वेश्चन जो था बच्चों का कि सर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर ओनली एक्सरसाइज करेंगे तो चलेगा? तो बेटा इतना याद रखो, जो बोर्ड का पेपर सेटर है ना, वो पूरा ना मिक्स करके पेपर बनाता है। मतलब ये कि उसमें नए क्वेश्चंस भी होंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी होंगे, इंटेक्स एक्सरसाइज एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी होंगे। सो जब आप एक ही सिस्टम पे डिपेंडेबल रहते हो तो फिर आप ओनली 25% उस पर्टिकुलर चैप्टर का कवर कर पाते हो। समझ आया आपको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे पार्ट बी जो हमारा है ना केमिस्ट्री का, वो 39 मार्क्स का है। अब उसमें आप इतना एक्सपेक्ट कर लो, 10 मार्क का पेपर है ना, ऑर्गेनिक के अंदर ट्विस्टेड आएगा, मतलब कन्वर्जन होगा या लॉजिकल क्वेश्चन होगा, और बाकी जो मार्क्स है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, कि एक्सप्लेन क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन, एक्सप्लेन वुल्फ किस्नर रिडक्शन, एक्सप्लेन नायलॉन 66, ऐसे होगा। बाकी 10 मार्क का पेपर लॉजिकल होगा। तो लॉजिकल पेपर है तो फिर आपको इंडेक्स एक्सरसाइज और एग्जांपल आपने किए होंगे तभी काम होगा। समझ आया बेटा आपको? तो यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको रिएक्शंस भी कर रहे हैं, इंडेक्स एग्जांपल एक्सरसाइज भी करना है। चलो लास्ट क्वेश्चन यहां पर मैं बता देता हूं जो मैंने देखा, बाकी मेजोरिटी क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके अटेंड कर दिए हैं। इनऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चन था बच्चों का कि सर इनऑर्गेनिक के लिए हम क्या करें, तो इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है आपको, आप है ना इनऑर्गेनिक में एक्सरसाइज एग्जांपल इंटेक्स अच्छे से रीड कर लो एक बार, तो आपका इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। समझ आया बेटा आपको, है ना? तो यहां पे ये लेक्चर जो है वो मैंने आपको मैक्सिमम गाइड कर दिया, आपके जो यहाँ पे कमेंट्स थे, आपके क्वेरी थ्रू मैंने सॉल्व कर दिए, ठीक है। वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखो, और भी कुछ आपकी क्वेरीज है तो मैं लास्ट एंड तक जब तक एग्जाम आता रहेगा तब तक ये कमेंट सेक्शन के आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको मैं आपके तरफ, मतलब जो आंसर है उसके पर्टिकुलर जो आपको करना चाहिए, अप्रूव जो होना चाहिए, वो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। चैनल पे अगर आप नए हो तो मैंने आपको चैनल के यहाँ पे स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया है कि बहुत सारी चीजें हमारे चैनल पे आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और आपको अगर कुछ पर्टिकुलर क्वेरी है, कुछ समझना है, पूछना है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, मैं जयेश सुथार एज अ JSRV यूट्यूब चैनल आपके साथ हूँ, आप पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।